सो है गाइस, अब जो है फाइनली वो टाइम आ गया है जो कि मेरे लिए आई थिंक सबसे मस्त और सबसे हाकाल व्लॉग होने वाला है इस चैनल पे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुनव्वर फारूकी के लाइव शो पे। पहली बार मैं कब से वेट कर रहा था गाइस। सो चलिए चलते हैं। और अभी जो है 3:30 हो रहा है और 6 बजे का शो है शार्प, अपने को उससे पहले पहुँचने का है। तो चलिए अभी जो है मैं फटफट से नहाता हूँ, खाना खाना है, उसके बाद अभी जो है मैं यहाँ से निकलता हूँ। क्या पूरा सीन है, आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आप नए हो इस चैनल को प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, अब मैं रेडी हो चुका हूँ एकदम प्रॉपर से, और अब जो है टाइम हो रहा है 4 बज रहा है। चलिए चलते हैं बहुत जल्दी जल्दी से, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आने वाला है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Hold on, just let us escape and fly away tonight. तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूं वडाला रेलवे स्टेशन। अभी यहां से मुझे जाना है मस्जिद रेलवे स्टेशन, फिर वहां से देखता हूं क्या ऑटो मिलता है या टैक्सी मिलती है, जो भी मिलता है फिर वहां से अपन जाएंगे। और वो स्टेशन से करीब आधा घंटा दिखा रहा है, अभी देखते हैं वहां से कैसे। एंड आई एम गेटिंग लेट, थोड़ा सा जो मुझे लेट हो रहा है। अब देखो 5 बज गया है और 6 बजे का शो है। सो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा मुझे और पहले निकलना चाहिए था, बट लेट्स सी कितने बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो गाइस हम लोग उतरे हैं ये वाले स्टेशन पे सैंडहर्स्ट रोड पे। यहाँ से जो है अभी आधा घंटा दिखा रहा है टैक्सी से, देखते अभी किधर जाना है, ईस्ट में या वेस्ट, अपने को वो भी आइडिया नहीं है। तो चलिए बाहर निकलकर पूछते हैं कैसे जाने का यहाँ से। सो गाइस अभी मैं टैक्सी में हूँ और जो है अभी यहाँ से अपने को जाना है करीब जो है 20 मिनट जाएगा। और अभी मैं हूँ फिलहाल डोंगरी में, और ये है डोंगरी का एरिया, आप जो है देख सकते हो, और यही वो एरिया है जहाँ पे मुनव्वर भाई रहते हैं। एंड चलते हैं अभी जो है उनके शो पे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। अगर मैं लेट नहीं हो रहा हूँ तो अभी जो है 5:13 हो गए हैं, और ये है डोंगरी एरिया जहाँ पे मुनव्वर भाई का घर है। वीडियो के बाद वो लाइव शो के बाद मैं देने वाला हूँ रिव्यू, मुझे कैसा लगा, कैसा क्या था, पूरा शो के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए अगर आप लोग नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक कर दें वीडियो को, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। और अभी वापस से स्टार्ट हो गई है बारिश, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये है मुंबई का वेदर भाई, कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप होती है, कभी भी बादल आते हैं, वो मजाक हो रही का यहाँ पे। तो अभी बारिश ऐसी आई है कि कांच बंद करना पड़ा क्योंकि पानी अंदर आ रहा था। अभी तो हल्की हल्की बारिश होती है, बट अभी जो है राइट नाउ जो बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, तो इसके लिए कांच बंद करना पड़ा क्योंकि पानी जो है अंदर आ रहा था। सो गाइस फाइनली ये है सामने सोफिया भाभा ऑडिटोरियम, यहाँ पे ही है अपने को आना है। और बाय द वे हम लोग जो है ऑन टाइम है, फाइट अभी आधा घंटा टाइम है। सो ये है यहाँ पे काफ़ी पब्लिक दिख रही है, चलिए आपको दिखाते हैं अभी आगे जाके। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे लोग हैं लाइन लगा के, सब लोग जो है अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे यहीं पे जो है जो टिकट है उसको स्कैन कर रहे हैं, एंड दिस इज द मेन गेट जहाँ से एंट्री ले रहे हैं। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं अंदर और देखते हैं अभी कितना क्या टाइम होता है, क्या प्रोसेस है, चलिए चलते हैं। सो गाइस एंट्री के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे है सीन, और अभी जो है हम लोग ऊपर जाने का है, ये नीचे वाला है, और अपने को यहाँ पे जाने का है ये वाला अपना जो है वाई में है। तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर की साइड। तो गाइस ये है ऑडिटोरियम, तुम लोग मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो अभी अच्छा लिसन 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 तो नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, कौन बोला हुई है? अच्छा ध्यान से सुनो, ठीक है?
ध्यान से सुना मेरी बात, मुनावर इज गोइंग टू मेक एन एंट्री टुडे, राइट? तुम सब लोगों को पता है ऑफ कोर्स मुनावर का इशू है. मुनावर इज गोइंग टू मेक एन एंट्री टुडे एंड आई वांट दिस एंट्री टू बी द ग्रैंडेस्ट एंट्री दैट ही हैज गॉटन टिल डेट. कैन यू ऑल डू इट? कैन यू ऑल डू इट? लेडीज एंड जेंटलमैन, डू मी अ फेवर, उठ जाओ सब लोग. Can we do it? Yeah! All right, on the count of three, ladies and gentlemen. One, two, three! नहीं भाई, ये बंबई का दम्मी है यार. ये बंबई का दम्मी है. अरे दिल्ली वाले. अरे अभी वो चेन्नई में शो करके आए. और तो अभी मुनावर को स्टेज पे बुलाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे. अरे यार बोल. All you have to do is just say this with me. ठीक है, पेस इसकी बढ़ा दे रहे हैं. एवरीवन देयर फ्लैशलाइट्स आउट. हां, फ्लैशलाइट्स आउट. मुनावर, 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 मुनावर की भाई कीप गोइंग. मुनावर, 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 मुनावर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द ऑन स्टेज, गाइस क्या शो था, मतलब क्या ही शो था. 3 घंटा 20 मिनट कोई अपनी सीट से हिला नहीं है. और भाई क्या एनर्जी थी, क्या शो है. और अभी जो है हम लोग यहाँ पे फ़ोटो के लिए रुके हैं. एंड अभी जो है आप लोग टाइम देखो, टाइम जो है कुछ 9:36 हो गया है. 6 से 8 का शो था, लेकिन मुनव्वर भाई ने कंटिन्यूस 3 घंटे 20 मिनट जो है स्टेज पर परफॉर्म किया है. तो गाइस ये यहाँ से लाइन शुरू होती है और वहाँ आगे तक पूरी लाइन एकदम आगे तक आप लोग देख सकते हो. और अभी जो है 9:40 हो गया है और अभी शायद से आधा घंटा और जाएगा. यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे स्टेज पे मुनव्वर भाई खड़े हुए अभी भी वो है. एंड अभी एक जो फोटो क्लिक करें देखते हैं. Don't
सो गाइस नाउ शो इज़ ओवर। अभी जो है 10:11 हो रहे हैं और अभी जो है मुझे जाना है कुर्ला। सो आज चलते हैं। और क्या शो था भाई साहब, क्या शो था यार, मज़ा आ गया। चल के जो है शो के बारे में घर पे बैठ के आराम से बात करते हैं। और अभी इस वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी डालने का है यूट्यूब पे। सो गाइस अगर मैं शो की बात करूँ, एकदम मस्त शो था, मज़ेदार शो था। जो है होता नहीं कि मतलब कभी जो है इमोशनल, कभी जो है लाफ्टर, कभी आने वाला एकदम बॉम्ब फूटता था, कुछ मालूम नहीं पड़ता था भाई। 3 घंटे फुल इन्जॉय, फुल इंटरटेनमेंट, बहुत मज़ा आया। और 6 से 8 का शो था, बट मनोवर भाई 6:20 पर स्टेज पे आए और 9:35 या फिर 45 मिनट तक वो स्टेज पे परफॉर्म किए। उसके बाद 1 घंटे तक लगातार फ़ोटो सेशन, जितने भी लोग थे सबके साथ भाई ने फ़ोटो खिंचाया है। भाई क्या एनर्जी थी, क्या शो था, मतलब 3 घंटे तक कोई भी हिला नहीं अपनी जगह से। और उसके बाद जो है बहुत मज़ा आया शो पे। जो भाई का कोई रैप सॉन्ग आने वाला है, उसकी जो शूटिंग चालू थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, साथ में मज़ा आया दोस्तों। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, फी अमानिल्लाह, बाय बाय।